वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा रेशा कबाब बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक वॉक है, चूल्हे को ऑन करते हैं और इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून तेल। झटपट बनाएंगे, ज़बरदस्त से बनाएंगे। तो अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कुटी हुई टाइप की चॉप की हुई मिर्चें हैं। अगर आप चाहें तो कम डालें, ज़्यादा डालें, या आपके ऊपर है, आपको जितना तेज़ पसंद है इतना डालें। चले इसमें साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो इस जगह क्रश भी डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा वो भी। ये बड़ी ईजी कबाब है, दावतों के लिए बेस्ट है, लंच बॉक्स के लिए अच्छी है अगर तेज़ नहीं बना रहे तो, और बहुत झटपट बन जाने वाली, बड़े नाइस है, बहुत ही अच्छी है। चले अब इसमें हम डालेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ 1 पाउंड ये ना आधा किलो के आसपास श्रेडेड चिकन है। मैंने पूरी चिकन को हड्डी वाली को बॉईल करने रख दिया था 1/2 टीस्पून नमक के साथ, दैट्स इट। तो उसके रेशे रेशे कर लिए। आप चाहे तो ब्रेस्ट भी ले लें, पूरी चिकन भी ले लें। फुल चिकन लेने से ये होता है कि सारे पीसेस होते हैं ना, ब्रेस्ट के, थाइस के, और लेग क्वार्टर होता है, तो वो क्या एक मिली जुली सा टेक्स्चर एंड फ्लेवर होता है। चले अब इसमें हम कुछ मिर्च मसाले डाल देते हैं जिससे हमारी रेशा कबाब मज़ेदार सी बन जाएगी। यहाँ हमारे पास देखें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून मैगी या नोर की क्यूब, तो ये हमारा पाउडर है, आप आधी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और 1/4 टीस्पून काली मिर्चें। तो ये सब चला गया इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को चिकन में। और यहाँ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा आटे को रोस्ट कर लेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम पे है, तकरीबन 1 मिनट तक इसको भूनेंगे। चले इस पॉइंट पर हम डालेंगे यहाँ 1 कप दूध, मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देखें हमारे पास 1/2 किलो यानी 1 पाउंड के आसपास उबले हुए आलू है जिसको हमने छिलका निकाल के थोड़ा सा स्मैश कर दिया है, तो अब इसको भी डाल देते हैं इसमें, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जो साबुत टाइप के आलू है उसको स्मूश भी कर देंगे। और इस पॉइंट पर डाल देंगे यहाँ हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। बस इसको हम अच्छे से जब तक मिलाएंगे जब तक कि ये एकदम एक साथ ना हो जाए, यानी वो कहे सारे आमेजा आलू चिकन धनिया वगैरह हम सब साथ साथ हैं, ऐसा हो जाएगा जब डन हो जाएगा। अभी देखें जब मैं हिला रही हूँ ना तो कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं, सब एक डायरेक्शन में एक ही मुत्तफिक होंगे कि ये रास्ता सही है और अब हमें इसमें जाना है जब सही है। देखिए ये 3-4 मिनट लगे होंगे, ये टुगेदर हो गया है। देखिए अब मैं घुमा रही हूँ तो ये एक साथ घूम रहा है, ये देखें अलग अलग नहीं है। तो बस इस पॉइंट पर हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। बस अब निकालने से पहले किसी प्लेट में थोड़ा सा इसमें नींबू डाल देंगे, मैं 1/2 डाल रही हूँ, इससे क्या चटपटी मज़ेदार सी बनेगी। दोबारा मिला लेंगे।
चले इसके ठंडे होने पे मिलते। देखिए यहाँ हमारा आमेजा ठंडा हो गया है और यहाँ मैंने एक पैन में शैलो फ्राई से थोड़ा ज़्यादा ऑयल रख दिया है, तो बस ये रेडी है। अब हम क्या करते हैं, झटपट अंडे फोड़ते। और इसको फेंट लेते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ ब्रेड क्रम्स है, अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर लें और चाहें तो डबल रोटी की स्लाइस को ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा 2-4 पल्स मारेंगे इस तरह का चूरा होगा तब भी ले सकते हैं, और रेडीमेड चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा देखिए यहाँ हमारा आमेजा जो है वो ठंडा हो गया है। अब ये जो है हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी पे चाहिए कि हम कबाब बना सकें। बिलफर्ज़ अगर आपका थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ढीला है, नहीं है ऐसा लग रहा है, इतना सख्त तो नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तब आप इसमें 1/8 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। तो चलिए ये देखिए ये लेते हैं, बॉल बनाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स में डाल के थोड़ा सा दबा लेंगे, ये देखें इस तरह शेप बना लेंगे जैसा भी दिल चाहे, चाहे तो ओवल बना लें, लंबाई में बना लें, गोल बना लें, जैसा आपका दिल चाहता है बना लें। और उसके बाद डालेंगे अंडे में, अंडे में डालने के बाद फिर से ब्रेड क्रम्स में इसे रख देंगे और इसी तरह 3-4 इकट्ठे बना लेंगे। बस अब जो पहली डाली थी एक्सेस ब्रेड क्रम्स जो है वो झटक लेते हैं, और तेल जो है वो मीडियम पर है हमारा और मीडियम ही गर्म होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, तेल डाल देते हैं। ये देखिए एक सुनहरी हो रही है, इसको पलट देंगे। बस तो ये खूबसूरत खूबसूरत सा कलर जब आता जाएगा तो हम पलटते जाएंगे। देखिए ये अच्छा सा कलर हो गया, तो अब इसको निकालते हैं हम। ऐसे क्रिस्पी करारे ज़बरदस्त से हैं। चल इसको निकाल लेते हैं। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से रेशा कबाब बन गए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अंदर से लग कैसे रहे और क्रिस्पी, ऊपर से देखिए क्रिस्पी करारे और अंदर से बताती हूँ कैसे है। ये देखिए, ये देखिए रेशा रेशा। और अब ये मैं अपने डेकोरेटिव फ्लावर वाले चटनी के साथ खाऊंगी। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से गुई है, रेशेदार है, खतरनाक है। गजब के चटनी को और तबाह करते हुए ये मेरे मुंह में जा रहा है। माइंड ब्लोइंग, खतरनाक। बस आप लोगों को दो बातों का ख्याल रखना है, मिक्सचर एकदम थिक होना ज़रूरी है। बिलफर्ज़ आप लोगों का हाथ थक जाता है या फिर इतना नहीं कर पाते हैं, तो फिर एंड में कॉर्नस्टार्च 1-2 टेबल स्पून जितना ज़रूरत हो डाल दें, बनाने लायक कर दें। नंबर 2, मीडियम पे तेल गरम करें, मीडियम पे ही बनाएं। 4-6 मिनट में डिपेंड्स आपके चूल्हे पे, एकदम क्रिस्पी ज़बरदस्त से हो जाए तो निकाल लें, मज़े से चाय के साथ खाएं, दावतों में दें, लंच बॉक्स में दें, फ्रीज भी कर सकते हैं।
तो चले जल्दी जल्दी जाएं, जाके बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।